आज सीना सच में चौड़ा हो गया, क्योंकि ये सीना इसीलिए चौड़ा हुआ क्योंकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक दुनिया की सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा विख्यात और सबसे ज्यादा फोटोग्राफिक जगह मैटरहॉर्न की पहाड़ियों पर दिखा। 1000 मीटर से भी बड़ा ये तिरंगा जो फहराया गया लाइट्स के सहारे मैटरहॉर्न की पहाड़ियों पे, आखिर हुआ कैसे ये, चलिए देखते हैं। पूरा पूरी दुनिया COVID-19 से लड़ रही है, उस दौरान यदि कोई देश सबसे जरूरी दवाई जो दुनिया के बाकी देश एक दूसरे को देने के लिए अपनी सीमाएं बंद कर चुके हैं, उस दौरान यदि कोई देश अपने यहां की बनी हुई उस दवाई को, मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की, यदि उस दवाई को दुनिया को दे देता है, देने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद भेज देता है दुनिया के सभी हिस्सों में, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और इस दौरान जब उस देश को खुद भी, मतलब भारत को, हमारे भारत को जब खुद को जरूरत है इस दवाई की, तब उसने प्रोडक्शन बढ़ाकर अपने यहां के लोगों के लिए तो उस दवाई को रखा ही, दुनिया के सभी देशों को भी एक मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा काम करते हुए लोगों के पास, दुनिया के सभी देशों के पास भेजा। तो इस लड़ाई में दुनिया ने हमारा धन्यवाद किया। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, जो बात मैंने थंबनेल पे लिखी है उसी बात को मैं लेकर बोल रहा हूं कि 18 तारीख को हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्विट्जरलैंड में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता जाहिर करने के लिए स्विस सरकार ने हमें स्पेशल धन्यवाद दिया। धन्यवाद भी ऐसा कि हमारे देश का फ्लैग, हमारा, जी हाँ, हमारा ट्राइकलर, हमारा तिरंगा, 1000 मीटर से भी बड़ा तिरंगा उन्होंने फहरा दिया। फहरा दिया मतलब कोई 1000 मीटर का तिरंगा नहीं बनाया उन्होंने और फहराया नहीं, उन्होंने 1000 मीटर से भी बड़ा तिरंगा उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पहाड़ी, जो उनका माउंटेन है स्विस माउंटेन, जो मैटरहॉर्न माउंटेन कहलाता है, मैटरहॉर्न माउंटेन जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड वैसे भी खूबसूरत है, सबसे ज्यादा दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में की मैटरहॉर्न पहाड़ियों में उन्होंने लाइट्स की मदद से 1000 मीटर से भी बड़ा तिरंगा बनाया और उन्होंने COVID-19 के खिलाफ भारतीयों के प्रति एकजुटता दिखाई, एकजुटता प्रदर्शित की, और भारतीय दूतावास ने इसलिए जर्मेट मैटरहॉर्न जो है उनको धन्यवाद दिया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसे उन्हें ट्वीट करके धन्यवाद भेजा। और पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है इस वजह से कि भारत ने जो एकजुटता दिखाई है कोरोना के खिलाफ, तो वो एक बहुत सराहनीय कदम है। और इतना बड़ा तिरंगा आज तक किसी भी जगह दुनिया में नहीं बना था जो स्विस गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि पूरी दुनिया वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए जूझ रही है, पूरी दुनिया के देश लगे हुए हैं, कई देश एक दूसरे की मदद के लिए सामने आए हैं, लेकिन जो भारत ने किया, भारत ने जहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए कई देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई भेजी है, वही दूसरे देशों ने भी कोरोना के टेस्ट किट हमें दिए हैं, तो इस तरह से एक देश दूसरे देश की मदद कर रहा है और मदद के लिए धन्यवाद जाहिर करने के उनके तरीके बहुत डिफरेंट हो गए हैं। तो जो भी हो, ये कोरोना कुछ तो स्पेशल करके जाएगा, कुछ तो बहुत अलग करके जाएगा विश्व में, भले ही नकारात्मकता कितनी भी हो, लेकिन ये सकारात्मक व्यवहार हम लोगों को इस महामारी से जूझने में एक दूसरे की मदद करेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर देखिएगा और अपने लोगों तक भेजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।